तो लोग कह क्या रहे हैं, और कोई गलत बात कही गई है क्या? सारी बातें कंक्रीट रूप से कही गई, भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, भारत के सद्भाव और भारत में समावेशी विकास, कि जहां प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है तो भारत आज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आगे बढ़ रहा है, चिप भी बना रहा है, सैटेलाइट भी छोड़ रहा है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, आज 220 करोड़ लोगों को टीके लगाए गए, और आज भारत के आर्थिक विकास को IMF की रिपोर्ट भी कंफर्म कर रही है जो इकोनॉमिक सर्वे में विस्तार से रखा हुआ है। फिर भी आपको सब पर बोलने का अधिकार था, जो बहिष्कार किया यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं पार्टी की ओर से, और पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि ये लोग लोकतंत्र का सिर्फ स्वांग करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का तिरस्कार करते हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए पार्टी की ओर से औपचारिक टिप्पणी करना आवश्यक था, और इन दोनों पार्टियों ने जो आचरण किया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम अपील करेंगे सारी पार्टियों से कि हमारे आपके विरोध होंगे लेकिन हम कुछ तो स्तर रखेंगे कि नहीं, इसका वो ध्यान रखें। धन्यवाद। सर, उनसे पूछा गया, BRS और आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछा गया कि आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पूरा सम्मान है, हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग मोदी सरकार की नीतियों से खपाए इसलिए उसको बायकॉट किया। तो भाई आप बायकॉट किसका कर रहे हैं? ये तरकी बिल्कुल बेबुनियाद है। अभिभाषण राष्ट्रपति जी दे रही ना, और फिर मैंने कहा आपको तो पूरा अवसर मिलेगा जब सदन में धन्यवाद राष्ट्रपति जी को देने की बहस होगी, आप अपनी बात कह देते वहां पर। दिस क्वेश्चन वाज आल्सो पुट फॉरवर्ड टू TRS सेक्रेटरी जनरल एंड लीडर ऑफ द हाउस व्हेन वी आस्क्ड हिम दैट व्हाई एग्जैक्टली इज नॉट गोइंग टू द पार्लियामेंट एंड अपोज व्हाटएवर ही वांट्स टू से बिकॉज ही हैज बीन इलेक्टेड अ मेंबर बट ही स्टेटेड दैट वी आर नॉट गोइंग देयर बिकॉज नोबडी लिसंस टू अस, वी वांट टू रेज द अदर इश्यूज। सर, I think everyone is entitled to make his point or his party's view. Who has stopped? I know for sure they have raised their issues on many times in both the houses and they have... खबर सामने आ रही है, आसाराम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। गांधीनगर लोअर कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। 2013 के इस मामले में आसाराम को IPC की 6 धाराओं के तहत दोषी माना गया है। दुष्कर्म का ये मामला आसाराम पर 2013 में दर्ज किया गया था। इस मामले में सेशंस कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 6 लोगों को बरी कर दिया था, और इन 6 लोगों में आसाराम की पत्नी भी थी, जिसमें आसाराम की पत्नी और बेटी भी शामिल है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आसाराम 2013 से ही जोधपुर की जेल में बंद है। आपको मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड, पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था, गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 फरवरी 9 PM।